वशीकरण स्पेशलिस्ट भक्ति कवच यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही प्रचंड मोहिनी वशीकरण बताने जा रहा हूँ। इस मोहिनी वशीकरण के माध्यम से आप किसी भी स्त्री पुरुष को अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। अब तक का ये सबसे तेज एवं प्रभावशाली वशीकरण बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सबके प्यार ने, आप सबकी श्रद्धा ने मुझे मजबूर किया इस वशीकरण को बताने पे। बहुत सारे मेरे भक्त हैं, वो बोलते हैं कि आसान वशीकरण बताइए, सरल वशीकरण, मोहिनी वशीकरण बताइए। तो आज मैं आपको सबसे सरल, सबसे आसान मोहिनी वशीकरण बताने जा रहा हूँ। इस मोहिनी वशीकरण को आप घर बैठे करके किसी भी स्त्री पुरुष को अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपने काबू में, अपने मुट्ठी में कर सकते हैं और अपना हर बात मनवा सकते हैं। इस वशीकरण को करने के लिए किसी भी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। इस वशीकरण को आप अपने प्रेमी के ऊपर, प्रेमिका के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पुराने से पुराने दुश्मन, अपना ऑफिस का स्टाफ, बॉस, किसी भी स्त्री पुरुष को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपने मुट्ठी में कर सकते हैं और अपना बात मनवा सकते हैं। यदि आपका प्यार रूठ गया है, बिछड़ गया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ये खास मोहिनी वशीकरण आपके लिए है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वशीकरण स्पेशलिस्ट भक्ति कवच यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए जान लेते हैं इसकी पूरी विधि। मित्रों, इस वशीकरण को आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन करें, या अमावस्या या पूर्णिमा की रात में करें, या एकादशी के दिन करें। जिस दिन इस वशीकरण को करेंगे उस दिन मांस मछली मदिरा का सेवन ना करें। इस वशीकरण को रात 10 से रात 2 के बीच में करें, एकांत कमरे में बैठे, खाली जगह पर बैठे, जहां पे आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, और माँ काली का एक तस्वीर अपने सामने रखें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, चाहे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, लाल आसन बिछाएं और माँ काली का तस्वीर, प्रतिमा, छवि, फोटो अपने सामने रखें और एक घी का दीपक जलाएं, थोड़ा फूल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं और 2 अगरबत्ती अवश्य जलाएं, माहौल को सुगंधित बनाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपका कार्य बन जाए, आपका प्यार आपको मिल जाए। और ये प्रचंड मोहिनी वशीकरण मंत्र का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ 11 बार करें। जी हाँ, अब मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही प्रचंड मोहिनी वशीकरण है। ये वशीकरण के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपना प्यार पाया है। तो अब मैं आपके सामने वशीकरण मंत्र रखने जा रहा हूँ। अब आपके सामने मोहिनी वशीकरण मंत्र ये रहा। ओम हूम ह्रीम अमुक वश हूम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, ओम हूम ह्रीम अमुक वश हूम फट स्वाहा। इस महाशक्तिशाली मोहिनी वशीकरण मंत्र में जहाँ पर अमुक शब्द है, वहाँ पर आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम लें और 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद माँ काली से, माता रानी से, माँ भद्रकाली से प्रार्थना करें कि आपका कार्य सिद्ध हो, आपका काम बन जाए। और बस इतना प्रार्थना करके आप अपने बिस्तर पर जाएं और सो जाएं। सुबह उठते ही आपके पार्टनर के तरफ से फ़ोन, मैसेज, कॉल आना शुरू हो जाएगा। वह आपके वश में होगी, आपके काबू में होगी, आपके मुट्ठी में होगी, आपके कहे अनुसार कार्य करेगी। वो अगर आपके घर के आसपास में रहेगी तो आपसे मिलने के लिए चली आएगी। अचानक से चमत्कार देखने को मिलेगा, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसका असर इतना तेज है, इतना प्रभावशाली है कि उसी दिन, दूसरे दिन ही आपको असर दिख जाएगा। अचानक से चमत्कार देखने को मिलेगा, वो खुद चल के आपसे बात करना चाहेंगी, आपसे मिलना चाहेंगी, आपके साथ समय बिताना चाहेंगी। यदि कोई स्त्री कोई लड़का के ऊपर में करती हैं तो वो लड़का आपसे शादी करना चाहेगा, आपके साथ जीवन बिताना चाहेगा जिंदगी भर के लिए। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, जिंदगी भर के लिए आपके मुट्ठी में होगा, आपके काबू में होगा और आपका हर बात मानेगा, आपका मान सम्मान इज्जत करेगा, आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहेगा। तो सच्चे मन से कीजिए, आस्था और विश्वास के साथ कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए, पॉजिटिव सोच के साथ इस मोहिनी वशीकरण को कीजिए, आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। इस मोहिनी वशीकरण से बहुत से लोगों का काम बना है, तो सच्चे मन से इस मोहिनी वशीकरण को करें और काम होने के बाद आपका प्यार जब मिल जाए तो माँ कामाख्या देवी के मंदिर में
या माँ दक्षिणा काली देवी के मंदिर में या किसी भी माँ काली के मंदिर में जा करके 101 रुपए का मिठाई अवश्य चढ़ाएं। काम होने के बाद माता रानी के मंदिर में जा करके 101 रुपए का मिठाई, चाहे 51 रुपए का मिठाई, चाहे आपके शक्ति अनुसार, आपकी खुशी के अनुसार आप कितने रुपए का भी मिठाई चढ़ाएं और वहाँ पे एक दिया अवश्य जलाएं और माता रानी को धन्यवाद कहें। तो ये काम होने के बाद ये विधि को भी कर दें और आस्था और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अपनी समस्या, अपनी परेशानी लिख के चाहे बोल के हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, हमारे तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारा बस एक ही नंबर है 8444-0662। इसी नंबर पे अपनी समस्या, अपनी परेशानी लिख के चाहे बोल के भेजें, हमारे तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे जितने भी पुराने भक्त हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो सुबह 11 से 12 के बीच में ही कॉल करें और हमसे जुड़ें। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, मिलकर अपना ख्याल रखें। जय श्री महाकाल, जय माता की मित्रों।